मात्र में मोदी की शक्ति साधना जानते हैं आप? 72 साल की उम्र में कैसे रखते हैं पीएम व्रत? सिर्फ नींबू पानी पर कैसे रहते हैं पीएम मोदी? कुछ संत कहते हैं मोदी के पास है अदृश्य शक्ति। पीएम मोदी की सफलता के पीछे उनके सालों पुरानी तपस्या की भी एक कहानी छिपी है। उनके करीबी तो ये तक कहते हैं कि मोदी के पास अदृश्य शक्ति है, क्योंकि जो भी उनसे मिलता है वो उनका मुरीद हो जाता है। लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी की दैवीय शक्तियाँ क्या है? तो आइए अगले 2 मिनट आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। 9 दिनों का व्रत, 18 घंटे काम, 5-6 घंटे की नींद, नवरात्र में घंटों माता की आराधना करना, नवरात्र के दौरान अन्न का एक दाना नहीं खाना, हर दिन 2 घंटे सप्तशती का पाठ करना, पीएम मोदी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। शायद आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि पीएम मोदी दोनों नवरात्रों के 9 दिन अन्न का एक भी दाना नहीं खाते। व्रत करने वाले कई लोगों को 9 दिन व्रत करने के नाम से ही चक्कर आ जाता है। वहीं पीएम मोदी पूरे दिन सिर्फ नींबू पानी ग्रहण कर उपवास रखते हैं। माँ दुर्गा के प्रति मोदी की आस्था और नवरात्र में उनके मुश्किल व्रत का यह सिलसिला 45 साल से चला रहा है। साल में 2 बार मोदी 9 दिनों तक माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर अन्न का त्याग करते हैं और सिर्फ पानी पीकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। रात के वक्त थोड़ा सा फल और सूखा मेवा खाते हैं। यही अगले 9 दिनों तक पीएम मोदी का खाना होता है। वो व्रत के नियमों का इतनी कड़ाई से पालन करते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। नवरात्र में मोदी देवी की उपासना को किसी भी सूरत में नहीं टालते हैं। मोदी कहीं भी हो, मोदी किसी भी पद पर हो, मोदी देश में हो या विदेश में, नवरात्र के पहले दिन से ही मोदी उपवास रखते हैं। सितंबर 2014 में जब वो अमेरिका के दौरे पर अपने दोस्त राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने गए थे तो वहाँ उनके स्वागत में शानदार पार्टी रखी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। पीएम मोदी ने सिर्फ नींबू पानी पीकर विदेश की सरजमी पर भी अपने व्रत का नियम जारी रखा था। ये बात जब बराक ओबामा को पता चली तो उन्होंने पीएम मोदी के खुले दिल से तारीफ की। 9 दिनों में पीएम मोदी ऊर्जा भरपूर होकर काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में 5 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके पीएम मोदी। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता, नेपाल के पीएम के साथ मुलाकात, कई विदेशी नेताओं से बातचीत, अलग अलग राज्यों में प्रचार किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 दिनों में 13 राज्यों में प्रचार किया, 9 दिनों में विदेश दौरे को रद्द नहीं किया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दैवीय शक्ति की उपासना करते हैं वही माँ दुर्गा उन्हें अटूट शक्ति देती है। साल 2012 में एक ब्लॉग में पीएम मोदी ने खुद बताया कि वो करीब 35 साल से माँ की उपासना कर रहे हैं और व्रत में सिर्फ नींबू पानी का सेवन करते हैं। पीएम मोदी की नवरात्र को लेकर ऐसी आस्था है कि मोदी हर नए काम की शुरुआत नवरात्र में ही करते हैं। अब 130 करोड़ ज्यादा के देश के मुखिया जब अपने धर्म को लेकर इतना सजग हो तो देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से बड़ा कौन रोक सकता है। पीएम मोदी की राह पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। इनका भी 9 दिनों तक व्रत काफी कठिन होता है। गोरखनाथ धाम के महंत और सीएम योगी आदित्यनाथ 9 दिनों के व्रत के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। मतलब देश के पीएम और यूपी के सीएम दोनों व्रत के मामलों में इतने कर्मठ हैं कि इनका कोई मुकाबला नहीं।